बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को लेकर, क्योंकि क्या गठबंधन वाकई टूट गया है? बिहार के परिवहन मंत्री की माने तो गठबंधन टूट गया है, क्योंकि जेडीयू के नेता हैं वृषण पटेल, वो परिवहन मंत्री भी हैं। जब उनसे हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन तो खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसके बाद तो स्थिति बनती ही नहीं कि दोनों एक साथ खड़े हैं। हमारे साथ जनता दल यू के नेता और मंत्री वृषण पटेल जी हैं। पटेल जी, ये बताइए कि जिस तरह की बयानबाजी आप लोगों में चल रही है, कितने दिन तक ये गठबंधन चलेगा या गठबंधन का क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए ना, हमको तो लगता है गठबंधन की आयु समाप्त हो गई, और जब आयु समाप्त हो गई तो जहां पर हम लोग खड़े हैं वहां से हम दोनों दलों का रास्ता अलग अलग जाता है। और आपने ठीक ही कहा कि बयानबाजी बहुत तेज हो गई है, 17 साल का हमारा गठबंधन है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जब अब कोई उपाय मेरी नजर में नहीं है कि यह गठबंधन चल सकता है, तो उन पंक्तियों का हम लोग ख्याल करें कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन इतना ख्याल रहे कि जब कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदगी न हो। इसलिए हमको लगता है कि अब प्रेम से ही हम लोग को अपना अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। आप जो कह रहे हैं गठबंधन खत्म हो गया, दोनों लेकिन जिस बिंदु पर आत रुक गई, हम लोगों के लीडर हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में ही कह दिया, ऐलानिया, कि वैसा व्यक्ति जिस पर कॉमनल होने का आरोप हो और वैसा व्यक्ति जो पिछड़े राज्यों को अपने साथ लेके चलने की उसमें क्षमता नहीं हो, वैसे लोग हम लोगों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में मान्य नहीं है। तो जहां पर बात आके रुक गई, हमारा दल वो मानने को तैयार नहीं है और वो दल वहां से खिसकने को तैयार नहीं है। ये 42 साल का हमारा ये राजनीति का तजुर्बा है और वो ये कहता है कि अब बात कुछ बची हुई नहीं है। भीषण पटेल कहते हैं गठबंधन खत्म हो गया, लेकिन शहनवाज हुसैन कहते हैं जनाब गठबंधन जारी है। हमारी तरफ से गठबंधन को कमजोर करने की कोई कोशिश नहीं होगी, क्योंकि हम 10 करोड़ बिहारियों के हित में हमने बनाया है गठबंधन, और बिहार की 10 करोड़ जनता ने हमारे अलायंस को वोट दिया है, एनडीए को वोट दिया है, हमारे गठबंधन को वोट दिया है। इसलिए बिहार की 10 करोड़ जनता के हित में हम इसको मजबूत कर रहे हैं,